फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मोशन हम लोग इस अब देखने जा रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स ने थ्री लॉ दिए हैं, तीन लॉ न्यूटन दिए थे, उनमें पहला लॉ जो है वो हम लोग देख रहे हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ सच बॉडीज विच आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो उसका क्या नेचर होता है, और कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका क्या नेचर होता है, उसके बारे में न्यूटन साहब ने बताया था। क्या बताया था? ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो वह चाहती है कि कंटिन्यू हम रेस्ट में ही रहें। एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। और कोई बॉडी मोशन में है तो वह चाहती है कि कंटिन्यू हम मोशन में ही रहें। इन अ स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा में, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कि कोई इस पर बाहरी फोर्स लगे नहीं, और टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जब तक इस पर कोई बाहरी फोर्स लगकर इसके यूनिफॉर्म मोशन को रोकने की कोशिश ना करे, तब तक या इसके मोशन को यूनिफॉर्म मोशन को और बढ़ाने की कोशिश ना करे, तब तक यह बॉडी उसी मोशन में उसी स्पीड से चलते रहना चाहती है। यह बॉडी यदि रुका हुआ है तो वो चाहती है कि हम कंटिन्यू रुका रहें। जब तक कि कोई व्यक्ति इसको आकर कोई किक न मार दे, तब तक वह उसी तरह से पड़े रहना चाहती है। दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। अब देखिए कैसे याद करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। तोड़िए, इतना बड़ा डिफिनेशन है, डरिए मत, इसे तोड़िए। ए बॉडी एट रेस्ट, ए बॉडी एट रेस्ट हो गया, तोड़ दिए। विल रिमेन एट रेस्ट, रेस्ट में ही रहना चाहती है। देखिए मैंने तोड़ा ना दो भाग में, एक और एक दूसरा। इस तरह से बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन, देखिए तोड़िए इस तरह से, एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन, विल कंटिन्यू इन मोशन। और याद कीजिए, इन ए स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा में रहती है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और उस डिफिनीशन को याद कर ले। इस डिफिनीशन में दो बातें कही गई कि एक बॉडी जो रेस्ट में है वो कंटिन्यू चाहती है रेस्ट में रहें, और एक बॉडी जो मूविंग है वो कंटिन्यू चाहती है कि हम मूविंग ही रहें जब तक कि कोई इस पर फोर्स ना लगे, तब तक। यही है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्सिया, अब हम लोग देखते हैं इनर्सिया। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट स्टेशनरी और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्सिया। कोई भी बॉडी का टेंडेंसी, उसका टेंडेंसी होता है कि यदि हम रुके हैं तो रुके ही रहें, और यदि हम स्ट्रेट लाइन पर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं तो उसी स्पीड से मूव करते रहें। इसी प्रॉपर्टी को, इसी टेंडेंसी को कहते हैं क्या? इनर्सिया। इनर्सिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रिकॉग्नाइजेस दैट एवरी बॉडी हैज सम इनर्सिया। और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ने रिकॉग्नाइज किया कि प्रत्येक बॉडी को कुछ इनर्सिया होती है। जैसे आपका मोबाइल यदि पड़ा हुआ है तो वो चाहता है कि हम पड़ा रहें, और कोई कार यदि चल रहा है तो चाहता है कि हम उसी स्पीड से चलते रहें। आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ इनर्सिया का। एक गिलास लीजिए, शीशे का एक गिलास लीजिए, और उस पर खेलने वाला जो कार्ड होता है, ताश के जो पत्ते होते हैं, उसे रख दीजिए, और उस पर एक 2 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का रखिए, और उस पर फिर आप एक अपनी उंगली से कस कर इस तरह से मारिए जैसे कि आप कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर को मारते हैं। तो आप देखिए क्या कि आपका जो गिलास में जो सिक्का है वो उस सिक्का आपके गिलास में गिर गया, और जो ताश का जो कार्ड था वो गिलास से बाहर जाकर गिर गया। जैसे इस फोर्स पर, इस पर फोर्स लगाए तो कस के मारे झटके के साथ, तो ये गिलास में जो सिक्का गिर गया। क्यों गिर गया?
ड्यू टू इनर्सिया, इनर्सिया के चलते। क्यों? क्योंकि यह रेस्ट में था तो वह चाहता है कि हम रेस्ट में ही पड़े रहें। या रेस्ट में कहाँ था? इस कार्ड पर पड़ा हुआ था, तो वह चाहता है कि हम कंटिन्यू रेस्ट में ही पड़े रहें। और मैं हमने क्या किया, इस कार्ड पर फोर्स लगाया तो ये कार्ड में स्पीड आया और ये कार्ड आगे की तरफ बढ़ के गिर गया और ये सिक्का ड्यू टू इनर्सिया इसी में गिर गया। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनर्सिया। इनर्सिया वर्सेज मास, अब देखते हैं इनर्सिया वर्सेज मास। मास इज ए मेजर ऑफ द इनर्सिया ऑफ ए बॉडी। मास क्या है? मेजरमेंट है इनर्सिया ऑफ ए बॉडी का। इफ ए बॉडी हैज मोर मास मोर इनर्सिया, यदि कोई बॉडी के पास ज्यादा मास होगा तो ज्यादा इनर्सिया होगा। ग्रेटर द इनर्सिया ऑफ ए बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जिस बॉडी का इनर्सिया ज्यादा होगा उस बॉडी पर उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना होगा उस बॉडी को रेस्ट में मूव कराने के, रेस्ट से मूव कराने के लिए या मूविंग बॉडी को रोकने के लिए। जैसे आप एक ट्रक ले लो, अब ये ट्रक है तो ये ट्रक का वजन तो बहुत ज्यादा है, मोर मास, ज्यादा मास है तो मोर इनर्सिया, और ये ट्रक अगर रुका हुआ है तो फोर्स भी मोर चाहिए, फोर्स भी बहुत चाहिए इसे मूविंग कराने के लिए। और आपका एक छोटा सा टॉय ट्रक है, टॉय ट्रक तो क्या है, लेस मास, बहुत कम मास है, है ना, तो लेस इनर्सिया, तो बहुत कम फोर्स लगेगा, लेस फोर्स, सिंपली वी पुश एंड इट मूव्स, है ना। तो हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्सिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट्स। हैवियर ऑब्जेक्ट्स के पास ज्यादा इनर्सिया होता है लाइटर ऑब्जेक्ट से। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्सिया, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्सिया। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्सिया होगा। मोमेंटम, नेक्स्ट चीज है मोमेंटम के बारे में जानना। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, मास को एम से और वेलोसिटी को वी से, तो हम लोग कह सकते हैं पी बराबर एम इंटू वी। मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, यानी मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा मोमेंटम होगा, और जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ही ज्यादा मोमेंटम होगा। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, याद रखेंगे मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और यह उसी डायरेक्शन में काम करता है, टेक्स प्लेस होता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कैसे? मोमेंटम हो गया पी बराबर एम इंटू वी, और मास पी का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो हमारा मोमेंटम का भी यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और मोमेंटम हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मास, मोमेंटम ऑफ ए मैन ऑफ मास 75 kg, एक 75 kg का आदमी है उसका मोमेंटम क्या होगा, व्हेन ही वॉक्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 m/s, यदि वह 2 m/s के स्पीड से मूव कर रहा हो तब। तो हम लोग लिख सकते हैं मोमेंटम पी बराबर वाट, क्लियर है, मोमेंटम पी बराबर वाट, मास दिया हुआ है कितना 75 kg, तो लिख दीजिए मास 75 kg, और वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है 2 m/s, चलिए मीटर पर सेकंड किलोग्राम में है, ठीक है। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी,
तो मास लिखते हैं 75 इंटू वेलोसिटी कितना हो गया 2, डेट इज इक्वल टू 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप बना लेंगे इसे।